मिर्जापुर में वाराणसी शांतिनगर मार्ग पर 20 किलोमीटर के दायरे में दो टोल प्लाजा स्थापित करने का किसानों ने विरोध किया। आज भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में अरोरा के वनस्थली के पास किसानों और स्थानीय लोगों की पंचायत हुई, जिसमें अवैध रूप से अरोरा में स्थापित टोल प्लाजा को हटाने की मांग किसानों ने की। मौके पर पहुंचे चुनार के उप जिला अधिकारी और सीओ चुनाव को किसानों ने तत्काल अवैध टोल प्लाजा को हटाने की मांग की। किसानों का कहना है कि वाराणसी शांतिनगर मार्ग पर फतेहपुर के पास टोल प्लाजा मौजूद है, इसके महज 16 किलोमीटर दूरी पर टोल प्लाजा अरोरा में स्थापित किया जाना गलत है। स्थानीय लोगों और किसानों को दोनों जगह टोल चुकाने पड़ेंगे, जबकि यूपी स्टेट हाईवे अथॉरिटी के मुताबिक 50 किलोमीटर दूरी पर ही टोल प्लाजा स्थापित किया जा सकता है। किसानों का कहना है कि दोनों ही टोल प्लाजा के अंतर्गत किसानों के खेत और पर्यटन स्थल हैं, जहां पर लोग जाते हैं, मगर अवैध टोल प्लाजा से लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं मौके पर मौजूद उप जिलाधिकारी चुनार ने किसानों को आश्वासन दिया कि जल्द ही समस्या का समाधान निकाला जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को छूट दी जाएगी। देखें क्या कुछ कहा किसानों ने इस रिपोर्ट में। आज किसान पंचायत थी यहाँ वनस्थली महाविद्यालय अरोरा पर, और टोल प्लाजा जो वाराणसी शक्ति नगर मार्ग पर पहले से लगा हुआ है फतेहपुर, उसके 16-17 किलोमीटर बाद अरोरा में भी एक टोल प्लाजा लगा दिया गया। उसी के विरोध में हम लोगों की पंचायत थी, और यहाँ पर उप जिलाधिकारी महोदय, सीओ महोदय, थानाध्यक्ष महोदय और सभी पत्रकार बंधु आए थे सभी लोग, और यहाँ पर निर्णय लिया गया कि 20 किलोमीटर के दायरे में गाड़ियों को, यहाँ जो लोकल पब्लिक है उनके फोर व्हीलर गाड़ियों को छोड़ा जाएगा और उनको सुविधा दी जाएगी। और एक तारीख से जो 30 तारीख का रिचार्ज था, फिर 20 तारीख को रिचार्ज होने पर 30 को ख़त्म होता था, 25 के बाद 30 को, उसके लिए इन लोग प्रशासन को लिखेंगे। ये लोग टाइम मांगे हैं 15-20 दिन का, हम लोगों ने 25 तारीख का समय दिया है, 25 अप्रैल का, कि तब तक आप इस टोल प्लाजा के समय में लिखा पढ़ी कर लो, आप हटवा लो, हम लोगों की फिर 25 तारीख को यहाँ पंचायत होगी, उस संबंध में आगे का कार्यक्रम जो तय होगा कि टोल प्लाजा हटाया जाए और जो अनाधिकृत रूप से लगा हुआ है। कुल मिलाकर क्या निर्णय लिया गया? कुल मिला के निर्णय लिया गया, एसडीएम साहब ने घोषणा किया, टोलवेज के अधिकारी भी थे अमरी जी, कि 20 किलोमीटर के दायरे के लोगों को हम छूट देते हैं, और इस टोल प्लाजा को हटाने के लिए हमको 20 दिन का समय दीजिए। हम लोगों ने 25 अप्रैल तक का समय दे दिया है, 25 अप्रैल को पुनः यहाँ पंचायत होगी कि ये टोल प्लाजा हटा कि नहीं हटा। टोल टैक्स क्या निर्णय लिया गया है? देखिए, आज अरोरा में टोल प्लाजा के पास जो है वनस्थली के पास, और जो हमारी भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप है, इनकी एक जनसभा थी, जिसमें टोल प्लाजा मुख्यतः जो अरोरा में है उसको लेके इनका धरना था, और जिसमें मुख्य रूप से यद्यपि इनकी मांगे ढेर सारी हैं, परंतु आज का जो धरना था और जो जनसभा थी वो टोल प्लाजा के निमित्त ही थी। तो इस टोल प्लाजा के लिए जो आप लोग का विरोध था वो इस बात के लिए था कि जस्ट इसके बगल में ही 16 किलोमीटर के दायरे में ही जो है फतेहपुर में एक टोल प्लाजा लगा, और इससे होता यह है कि एक डबल टैक्सेशन लोगों पे लग रहा है, किसानों पे, विशेष रूप से जो बेचारे आसपास के लोग हैं 10-15-20 किलोमीटर के, उन पे डबल टैक्सेशन लग रहा था, इसके लिए आप लोग का धरना प्रदर्शन था। तो इसमें जो टोल प्लाजा के अधिकारी थे उनसे भी वार्ता की गई है, जो हमारे किसान यूनियन के जो नेता थे उनसे बात की गई, उनकी समस्याओं को समझा गया, फौरी तौर पर जो अभी समस्या का समाधान किया गया है वो टोल प्लाजा के अधिकारी द्वारा इस बात का निर्णय लिया गया है कि जो हमारा ये टोल प्लाजा अरोरा का है उसके 20 किलोमीटर के दायरे में जो भी हमारे किसान हैं या जो कोई भी व्यक्ति है, यदि उसके पास नॉन कमर्शियल चार वाहन है तो उस पर कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा, जो कमर्शियल गाड़ियां हैं जो व्यापार के लिए है उस पर टैक्स दिया जाएगा, ये मोटे मोटा तय हुआ। इसके अलावा एक मांग थी कि जो कूपन रिचार्ज होता है, जो पास के रूप में इस्तेमाल होता है वाहनों के लिए, उसकी उसमें एक भारी कमी ये है कि वो महीने में, जैसे मान लीजिए आपने 15 तारीख को किया तो 30 महीने के आखिरी में 30 तारीख को लैप्स हो जाएगा, तो 15 दिन का ही फ़ायदा मिलेगा। यदि आप पहली को करेंगे तो पूरे 30 दिन का फ़ायदा मिलेगा, परंतु पहली के बाद यदि आप 5 को करते हैं, 15 को करते हैं, 25 को भी करते हैं तो 25 को भी करेंगे 5 दिन में ही लैप्स हो जाएगा। तो ये वाकई ये प्रथम दृष्टया ही गलत लग रहा है। इसके संबंध में टोल प्लाजा के अधिकारियों से हमने अनुरोध किया है कि वो अपने अथॉरिटीज़ को लिखेंगे, और मैं भी अपने स्तर से अपने डीएम साहब के माध्यम से प्रॉपर अथॉरिटीज़ को ये बात पहुँचाऊँ। पंचायत द्वारा 20 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, इसका क्या कहना है?
देखिए किसान, आप उसे अल्टीमेटम कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये किसान हमारे देश के हैं, इनकी जो भी पीड़ा है वो हमारी पीड़ा है, वो अल्टीमेटम नहीं है। यदि उनका कोई दर्द है, कोई समस्या है, तो वो हमारी समस्या है, उसको अल्टीमेटम के तौर पे हमने नहीं लिया है, हमने एक सुझाव के तौर पे लिया है, उसका समाधान करने के लिए हम प्रतिबद्ध। सर, स्कूली वाहनों के ऊपर? स्कूली वाहनों के ऊपर देखिए ऐसा है कि जो हमारा जो भी टोल प्लाजा होता है उसकी गाइडलाइंस होती है, वो एम्बुलेंस से नहीं लेगा, जो आर्मी पर्सनस हैं व्हीकल से उनसे नहीं लेगा, इस तरह के उनके पास बायलॉज बना हुआ है। एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता कि स्कूल के वाहनों से टैक्सेशन वो लेगा कि नहीं लेगा, बायलॉज देख के हम ये तय कर लेंगे, यदि उस पर लगना होगा तो लगेगा, यदि बायलॉज में है तो पूरे देश में लग रहा होगा, और यदि कहीं नहीं लग रहा तो आपके हरोरा में भी नहीं लगेगा।